जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। एंड मुझे पता है आप जो मेहनत कर रहे हो आप जो इतना हार्डवर्क कर रहे हो आपने अब तक जितने भी प्रिपरेशन किए उतनी सफिशिएंट है जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो जैसे आप नोट्स रिविजन कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ये सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप कंटिन्यूसली लर्निंग कर रहे हो क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना जो एग्जाम्स के पहले का वो गोल्डन टाइम होता है कि जिसमें हम जो भी पढ़ते हैं जो भी रीडिंग करते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन में चला जाता है एंड वो सब हमें याद रहता है वो हमें सब समझ में आता है एंड इसीलिए जो आप कर रहे हो ऐसे ही माइंड को पॉजिटिव रखे ऐसे ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपको लर्निंग करते रहना है रिविजन करते रहना है नोट्स की रिविजन करनी है और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है और मन में हमेशा पॉजिटिविटी भरी होनी चाहिए कि जिससे आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू हो क्योंकि कहते हैं ना कि मन से हारे हारे मन से जीते जीते इसलिए माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है क्योंकि ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता इसलिए हमेशा मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए कंटिन्यूसली हमारा फोकस होना चाहिए हमारे स्टडी पे हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन में सो so, ऐसे ही आज भी हम क्योंकि हम कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत ऐसे ही चलती रहेगी एग्जाम्स तक और एग्जाम्स को हम इतना अच्छे से देंगे बहुत अच्छे से देंगे क्योंकि अभी हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है आप डेली कंसेप्ट लर्निंग कर रहे हो डेली नोट्स रिविजन कर रहे हो एज वेल एज डेली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड इसीलिए आज भी हम कुछ नए टॉपिक को लर्न कर रहे हैं एंड ये जो नया टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करें वो है एपोप्टोसिस एंड एपोप्टोसिस के पाथवेज तो एपोप्टोसिस के पाथवेज में हम आज तीन पाथवे देखेंगे एक देखेंगे सी एपोप्टोसिस दूसरा देखेंगे इंट्रेंसिक एपोप्टोसिस पाथवे एंड एक्सट्रेंसिक एपोप्टोसिस पाथवे तो देखिए जो कितने सिंपल है एपोप्टोसिस मतलब कि हमारे बॉडी में एक रेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस है एपोप्टोसिस मतलब जो प्रोग्राम सेल डेथ में प्रोग्राम मैनर में कैसपेज एक्टिवेट करके कैसपेजेस एंजाइम कि जो है उनको एक्टिवेट करके एक सेल्स का किया जाता है कि जो अनवांटेड सेल्स या जो भी मतलब इनफेक्टेड सेल्स है डीएनए डैमेज है जिनमें ऐसे सेल्स को इलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है सेल डेथ का पाथवे जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोग्राम सेल डेथ एंड सबसे सिंपल पाथवे तो ये इसे हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ अब देखो जो प्रोग्राम सेल डेथ है कि जो प्रोग्राम मैनर में होता है रेगुलेटेड है ये सेल डेथ का पाथवे मतलब यहाँ पे सेल्स को इलिमिनेट किया जाता है एंड सेल डेथ का पाथवे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो इलिमिनेट कर किए जाते है. अब देखो जो भी सेल डेथ का पात्र है एपोप्टोसिस है ये एपोप्टोसिस आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है तो जनरली हम एपोप्टोसिस डेवलपमेंट में देखते हैं कि जब हमें मॉर्फोजेनेसिस करने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने तब हमें एपोप्टोसिस वहाँ पर हमें चाहिए होती है क्योंकि उस ऑर्गन की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कुछ सेल्स को इलिमिनेट करना पड़ता है तो मॉर्फोजेनेसिस में डेवलपमेंट में काम आता है एज वेल एज मेटेमॉर्फोसिस में हम देखते हैं एपोप्टोसिस मेजर रोल प्ले करता है जैसे फ्रॉग में टेडपोल में टेल होती है अडल्ट में नहीं होती तो टेल रिग्रेस हो जाती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो लार्वल फेजेस में रिग्रेस होते और अडल्ट में न्यू स्ट्रक्चर बनते तो मेटेमोफोसिस में काम करते हैं एज वेल एज एपोप्टोसिस से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल किया जाता है एक्सट्रेंसिव एपोप्टोसिस पाथ से अलवेज जैसे कैंसर सेल्स को हम किल कर सकते हैं एपोप्टोसिस से अर्ली डेवलपमेंट में जो न्यूरॉन्स का एलिमिनेशन है वो होता है जो सेल्स को ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलते उन सेल्स का इलिमिनेशन एपोप्टोसिस से होता है एज वेल एज जिन सेल्स में डीएनएज इी एन ए डैमेज है उनका भी इलेमिनेशन एपोप्टोसिस प्रोसेस से होता है अभी सी लेगान्स में भी एपोप्टोसिस होती है तो जो सी इलेगान्स की एपोप्टोसिस है तो देखो सी इज द निमेटोड एंड सी इलेगान्स में यहाँ पे जो एपोप्टोसिस होती है इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि सी एलेगान्स पे सबसे फर्स्ट होता है ईगल वन गल वन ये प्रो एपोप्टोटिक है सो प्रो एपोप्टोटिक मेंबर एंड प्रो एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोट को एक्टिवेट करते हैं उसे प्रो एपोप्टोटिक बोलते हैं तो ईगल वन ये प्रो एपोप्टोटिक है ईगल वन सी इनहिबिट करता है तो so, सबसे पहला मेंबर क्या है अपस्ट्रीम कंट्रोल में ईगल वन है जो इनहिबिट करता है सेड नाइन को सेड नाइन इज द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन तो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है कोई एंटी एपोटोटिक प्रोटीन है एंड सेड नाइन एंटी एपोटोटिक मतलब जो एपोटोस को इनिबिट करता है तो ईगल वन इनिबिट सेड नाइन एंड सेड नाइन इनिबिट सेड फोर सेड फोर इज द एडाप्टर प्रोटीन सेड फोर क्या है एडाप्टर प्रोटीन है कि जो सेड uh, थ्री को एक्टिवेट करता है तो सेड फोर ये एडाप्टर प्रोटीन है एंड सेड फोर जो एक्चुअल में सेड नाइन इनिबिट करता है जब भी नॉर्मल सेल होती है एंड अगर गलती से सेड फोर एक्टिवेट हुआ तो सेड फोर एक्टिवेट होता है सेड थ्री एक्टिवेट होता है सेड थ्री इज द कैसपेज इसे एग्जीक्यूशनर कैसपेज बोलते हैं तो ये इफेक्टर कैसपेज है जो कि एपोप्टोसिस कराता है सो सेड थ्री इफेक्टर कैसपेज है एंड इफेक्टर कैसपेज आगे जाके क्या कराता है सेल डेथ कराता है मतलब एपोप्टोसिस कराता है तो यहाँ पे एपोप्टोसिस होती है तो देखो सी इलेगान्स का एपोप्टोसिस पाथवे क्या है

जनरली जब भी अपस्ट्रीम कंट्रोल है मतलब जो सेल सर्वाइव करती है वहां पे मेजर रोल प्ले करता है बीसीएल टू कि बी टू हमेशा एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनिबिट करता है हायर एनिमल्स में बट जब भी कभी इंट्रेंसिक पाथ को एक्टिवेट करने का सिग्नल आता है तो इंट्रेंसिक पाथ एक्टिवेट करने का सिग्नल आएगा तो बी एच थ्री ओनली प्रोटीन एक्टिवेट होंगे बी एच थ्री ओनली प्रोटीन ये ईगल वन की तरह है सो तो ये प्रो एपोप्टोटिक है तो देखो यहाँ पे कलर जो दिखा है दिस इज प्रो एपोप्टोटिक प्रो एपोप्टोटिक कि जो ईगल वन की तरह है एंड प्रो एपोप्टोटिक है बी एच थ्री ओनली में बैड बीड बीम पुमानोक्ते एंड बी सी एल टू जो है वो एंटी एपोप्टोटिक है तो एंटी एपोप्टोटिक कि जो सी एपोप्टोटिक्स की तरह फंक्शन करते हैं देखो क्योंकि वो कॉन्जर्व प्रोटीन से जैसे प्रो ईगल वन है वैसे बी एच थ्री ओनली है जैसे सेड नाइन है वैसे बीसीएल टू है एंड बैक एंड बैक्स ये भी प्रो एपोप्टोटिक है जो एक्स्ट्रा है तो प्रो एपोप्टोटिक अभी होता क्या एपोपटोटिक्स में बी एच थ्री ओनली एक्टिवेट हुआ तो बी एच थ्री ओनली इनिबिट करता है को अगर बीसीएलट हुआ तो बीसीएल टू का जो इनिबिशन हो रहा है बैक back बैक्स को हट जाता है बैक बैक्स एक्टिवेट होता है बैक back बैक्स ये चैनल फॉर्मेशन करते हैं ऑलिगोमराइजेशन करते हैं और चैनल फॉर्मेशन करते हैं जिससे साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आता है जैसे ही साइटो सी साइटोसोल में आता है साइटोक्रोम सी बाइंड होता है एपीएफ वन को तो एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर एपीएफ वन मतलब एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर सो प्रोटीज तो ये एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर ए वन एंड ये जो एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये एडाप्टर प्रोटीन है एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करता है तो एपोप्टोजोम so, बनने के बाद कैशपेज नाइन एक्टिवेट होता है इनिशियर कैशपेज ये इनिशियटर कैशपेज है एंड ये इनिशियटर कैशपेज अगर एक्टिवेट हुआ तो इनिशियटर कैसपेज ये कैसपेज थ्री को एक्टिवेट तो करेगा

पे एंटी प्रोटीन सेड नाइन है तो यहाँ पे एंटी अपोटोटिक प्रोटीन बीसीएल टू बी सी एल एक्सएल एम सेल वन बीसीएल जो कि एंटी एंटीअपोटोटिक है इनका फंक्शन दोनों का सेम है यहाँ पे एडाप्टर प्रोटीन सेड फोर है यहाँ पे एडाप्टर प्रोटीन ए पी एफ है इनका फंक्शन सेम है देखो कलर भी सेम दिखा है यहाँ पे सेड थ्री कैसपेज है कि जो इफेक्टर कैसपेज है सेड थ्री सी लेगा इसमें वही यहाँ पे कैसपेज थ्री है मैमल्स में तो प्रोटीन जो है वो सिमिलर फंक्शन शो करते हैं सी इलेगा इनके नाम अलग है और मैमल्स में इनके नाम अलग है तो ये हाईली कॉन्सर्व प्रोटीन है तो ये हुआ मैमल्स का पाथवे तो मैमल्स के पाथवे में हमने क्या देखा जब भी एपोप्टोसिस का सिग्नल आता है तो एपोप्टोसिस का सिग्नल आने के बाद बी एच थ्री ओनली एक्टिव होता है और बी एच थ्री ओनली बीसीएल इनिबिट करता है जैसे बीसीएलबिट होगा तो बैक एंड बैक्स एक्टिवेट होते हैं बैक एंड बैक्स ऑलिगोमराइजेशन करते हैं चैनल फॉर्मेशन करते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे एंड जैसे बैक एंड बैक्स चैनल फॉर्मेशन करते हैं

एंड ये जो एपीएफ वन है एपीएफ वन उसमें कैशपेज नाइन बाइंड फॉर्म में होते हैं प्रो कैशपेज नाइन तो एपीएफ वन एक्टिव होता तो एपीएफ वन क्या करता है प्रो कैश नाइन को क्लिव करता है कैशपेज नाइन में कैसपेज नाइन एक्टिवेट होता है कैशपेज नाइन कैशपेज थ्री को एक्टिवेट करता है एंड कैशपेज थ्री एपोप्टोसिस करता है तो कैशपेज नाइन इनिशिएटर कैशपेज है कैशपेज थ्री इफेक्टर कैसपेज है ये हुआ हायर एनिमल्स का पाथवे तो बी एस थ्री ओनली प्रोटीन इनिबिट्स बीसीएल टू प्रोटीन बीसीएल एक्सेल

हाइयर एनिमल्स का पाथवे तो देखो कितना आ, मतलब सिमिलरिटी आपको दिख रहा है एंड सी लेगन एंड इंट्रेंसिक पाथ को हमने डिस्कस किया ओके तो साइटोक्रोम सी मेजर सिग्नल है इंट्रेंसिक एपोप्टोसिस पाथ के लिए साइटोक्रोम सी अगर इंटरमेम स्पेस में माइटोकॉन्ट्रे में तो वो सेल सर्वाइव करेगी वो नॉर्मल है बट अगर साइटोक्रोम सी गलती से भी साइटोसोल में आया तो वो सेल एपोप्टोसिस में एंटर होते एंड उसके साथ और एक पाथवे जो होता है उसे एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे बोलते हैं एक्सटेंसिक एप्टोसिस पाथवे बाहर से एक्टिवेट होता है एक्स्ट्रासर सिग्नल होता है उसे पाथ बोलते तो देखो जब भी कभी डेथ रिसेप्टर है डेथ डेथ रिसेप्टर को पे सिग्नल बाइंड होता है तो यहाँ पे डेथ सिग्नल कौन सा है जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है फास्ट लिक है ओके okay? ये डेथ रिसेप्टर के सिग्नल से तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा फास्ट लिक एंड ये डेथ रिसेप्टर को बाइंड हुआ इसे डेथ रिसेप्टर बोलते हैं या फास्ट डेथ रिसेप्टर बोलते हैं सी डी नाइनटी फाइव बोलते हैं जैसे ही यह बाइंड होता है फास्ट लिग एंड्रोस्पेक्ट्रल्पा डेथ रिसेप्टर को डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है डेथ रिसेप्टर को आके बाइंड होता है टी आर ए डी डी एंड ये जो टी आर ए डी डी है इसमें एफ ए डी डी होता है एफ ए डी डी मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो एडाप्टर प्रोटीन है इसमें एक डेथ डोमेन होता है और एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता है तो डेथ इफेक्टर डोमेन डेथ डोमेट डेथ इफेक्टर डोमेन है इसको आके बाइंड होता है प्रो कैपेस एट और टेन जैसे ये प्रो कैसपेज एट और टेन बाइंड होता है तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है इस कॉम्प्लेक्स को बोलते डिस्क कॉम्प्लेक्स ये यह यहां तक का जो कॉम्प्लेक्स है इसे क्या बोलते हैं डिस्क एक बार डिस्क कॉम्प्लेक्स बना डिस्क मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स सो तो डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स

ट जो है वो इनिशिएटर कैश है कैसपेस एट एक्टिवेट हुआ तो कैशपेज एट से फिर से प्रोटोलिटिक क्लिवेज होता है कैसपेस थ्री का कैशपेस थ्री का प्रोटोलिटिक क्लिवेज क्या एंड कैशपेस थ्री सिक्स सेवन एक्टिव थ्री सिक्स सेवन इफेक्टर कैसे है जनरली हम इसको कैशपेस थ्री बोलते हैं कि ये इफेक्टर कैसे है एंड जैसे ही कैशपेस थ्री एक्टिवेट हुआ कैसपेस थ्री एक्टिवेट होता है इफेक्टर कैशपेज तो एपोप्टोसिस हो गए तो यहाँ एपोप्टोसिस हो होगी तो एपोप्टोसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है

तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिस्क बोलते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स फिर यहाँ पे डेट इफेक्टर डोमेन से प्रो कैशपेज एट और टेन की क्लीवेज होती है प्रो कैशेज एट और टेन क्ल्यू हुआ तो कैशपेज एट बना कैशपेज एट इनिशिएटर कैश है है जो फॉर्मेशन हुआ कैशपेज एट इनिशिएटर कैश है वो क्लीव करता है कैशपेज थ्री सिक्स सेवन कैशपेज थ्री इफेक्टर कैश है जो इफेक्टर कैशपेज एक्टिव हुआ एंड इफेक्टर कैशपेज ऐसे एक्टिव होता है यहाँ पे एपोप्टोसिस होती है और ये हुआ सिक एपोप्टोसिस पाथवे कि जिससे यहाँ पे एपोप्टोसिस हुई तो दो पाथवे हम डिस्कस करते हैं एक एपोप्टोसिस पाथवे और दूसरा इंट्रेंसिक तो दोनों को हमने डिस्कस किया ये था मैकेनिज्म ऑफ मैके एंड इंट्रेंसिक एपोप्टोसिस पाथ एज वेल एज हमने सी लेगन का एपोप्टोसिस भी डिस्कस किया तो इन पाथवेज को याद रखें क्योंकि एपोप्टोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो याद रखें एक्सट्रेंसिक पाथ में जो सिग्नल करके काम करते हैं ट्यूमर एफ अल्फा या फास्ट लिखे एंड इंट्रेंसिक पाथ में साइटोक्रोम सी ये सिग्नल का, का काम करता है ओके सो तो यहाँ पे हमने आज का टॉपिक जो है कंप्लीट किया एपोप्टोसिस ओके सो तो ऐसे फास्ट रिविजन सीरीज को कंटिन्यूसली सारे वीडियोज देखिए जो रिविजन सीरीज में हमने लिए सबकी रिविजन कीजिए सबके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए ओके So thank you all and happy learning. Thank you.